नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केआरपी। आप देखना शुरू कर चुके हो केआरपी राजस्थान। दर्शकों, बालोतरा मेले में ऊंटों की सुबह रेस हुई है और उसमें जैसलमेर बीकानेर का ऊंट है वो एक नंबर पे आया है और एक जैसलमेर का ऊंट है वो दो नंबर पे आया और तीसरा ऊंट बचा है बाड़मेर का, ये तीन नंबर पे आया। तो बाड़मेर का जो ऊंट है तीन नंबर पे आया, इनके मालिक से हम बातचीत करेंगे कि तीन नंबर पे आने का क्या कारण है और सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाने की कोशिश करें, ये जो आप ऊँट देख पा रहे हो ये तीन नंबर पे आए हैं, इनके मालिक से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, क्या नाम आपका? हमारा नाम भूर सिंह है। अच्छा, भूर सिंह, कहाँ से आए हो? घाटी जाजवा। कहाँ से आ रहे हो? जाजवा से। जाजवा, ये कहाँ पे पड़ता है? जाजवा बाई के पास। इस ऊँट को आप पहली बार रेस में? नहीं, हम हर साल रेसों में लगाते हैं। हर साल कितने रेसों में भाग लेते हैं? बहुत। अच्छा, कितने रेसों में एक नंबर पे आया? कभी फर्स्ट आता है, कभी सेकंड आता है। फिर भी कितने रेसी भाजो आप? फिर भी कितने रेस में ये फर्स्ट आता है, आपको याद है कुछ? हाँ, याद है मेरे को। कितने रेस है? रेस तो वहाँ पुडर माथे होती है रेस, उसको वो तो ऐसे ही होती है जो दो तीन चार महीनों से होती है रेस, तो होती होती है। कुछ चांदी वगैरह इन्होंने जीत हासिल की है? हाँ। अच्छा, आज जो रेस हुई सुबह, उसमें ये तीन नंबर पे आने का क्या कारण है? बहुत दौड़े वो तो, कोई पहला आता है कोई दूसरा, ये टक्कर का ऊँट है। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि रेस शुरू होने से पहले ही ऊँट भाग चले, ये क्या? नहीं, पहले नहीं भागा, ये तो ये दुनिया के वो हड़े दौड़े देना कहते हैं, ऊँट दौड़ गया। ऊँट क्या हो गया? कई तो हड़े उठे बजा दे ऊँट बिगा है रेस वाला ऊँट एकदम। अच्छा, रेस आप कर रहे थे रेस ऊँट के ऊपर? आप नहीं, मेरे को कोई सवार लाया था, पैसा दे, पैसे देकर सवार लाए। कितने पैसे दिए? मैंने 5,000 रुपए। 5,000 उसको एक दिन के लिए ऊँट को भगाने के लिए, रेस जिताने के लिए। अच्छा, तो आपको बहुत बड़ा धोखा हुआ होगा अगर तीन नंबर पे आया। धोखा पहले नंबर मेरे को होता अपना, ठीक है। अच्छा, तीन नंबर पे आने पे क्या इनाम मिला आपको? मेरे को 1.5 किलो चांदी। अच्छा, 250 ग्राम? 250 ग्राम चांदी है। चांदी, चांदी 250 ग्राम चांदी मिली है। और अच्छा, इस ऊँट की उम्र कितनी हो सकती है? उम्र ऊँटे 6 साल को है। कैमरा मैन दिखाने के बाद करें कोशिश करें, इसकी 6 साल की उम्र है। कितने दांत का ये? 4 दांत। 4 दांत। अच्छा, घर में 5 साल का, 2 दांत का था, 4 दांत। घर का ये खरीद के लाए? नहीं, मैंने खरीदा। कितने में खरीदा ये? ये इधर मेले में खरीदा है 50,000। 50,000 में? कितने वर्ष पहले? नहीं, अभी खरीदिया इस मेले में, उसके पास जीता हुआ मेरे को पहले उसको कहा था और मेरे को देना है, वो बस दिया, पहले देता नहीं। अभी खरीदा इसको? अभी इस मेले के अंदर 50,000 में। अच्छा, तो अब तो अगले रेस की हम बात करें, तो कौन से मेले में लेके जाओगे अब इसे? अभी ओसिया में रेस होती है, ओसिया में, वहाँ पे जाओगे? हाँ, बीकानेर भी होती है, जैसलमेर सम्मो होती है, तो वहाँ पे ले जाते रेस के लिए। दिया है वो दो, एक वो दिया, वो तो मैंने कल भी रात को लाया हूँ, सुबह जी गया था। और अच्छा, ये रेस के लिए आपने खरीदा? रेस के लिए स्पेशली। और घर में कोई काम नहीं लगे इसको? घर में ठीक है, ऊपर सड़न जाओ खेत भी जाओ, सड़ी में बैठे भी। चलो, कैमरा मैन दिखाने की कोशिश करे, ये आज की जो रेस हुई सुबह, 16 ऊँटों में से ये तीन नंबर पे आया है। आप देख पा रहे हो पूरा अच्छी हाइट है इस ऊँट की, और इन्होंने भाई साहब ने यहीं से 50,000 में आज इन्होंने खरीदा है, कल खरीदा था है। अच्छा, ये देख पा रहे हो क्या कमी रहेगी, मालिक ने हमें बताया कि तीन नंबर पे आए हैं, एक नंबर पे आने में क्या कमी रहेगी? गिरा गए थे बीकानेर के, उसको मैंने कहा कि मैं 16 लाख मैंने दिया तो सो दिया, अभी बेचता नहीं, रेस में आ गया। अच्छा, कितने लगा दिए उसने? उसने 65,000 लगाया। 65,000 लगाए? अच्छा, आपने नहीं बेचा? नहीं बेचा, 16 लाख। आज इनका ग्राहक लग चुका है, जैसे ही रेस खत्म हुई उसके बाद ग्राहक आया इनके पास और उन्होंने 60,000 का, 65,000 का उन्होंने लेने के लिए भी कह दिया। तो आखिर कमी आपने बता, आप लोगों को भाई साहब ने बताया कि क्या कमी रही एक नंबर आने में, और आपने लगातार वीडियो के साथ ऐसे बने रहिए, हमारे चैनल के साथ ऐसे बने रहिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक इससे
ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।